उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी कर रही हैं। वहीं नेता अजीबोगरीब वादे करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मंगलवार को वाराणसी में बातों बातों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनता से अजीबोगरीब वादा किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजभर ने अपने बयान में कहा कि ट्रेन की 70 सीटों पर 300 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और ट्रेन का चालान नहीं होता है। वैसे ही 9 सवारी बैठाने वाली जीप भी जब 22 लोगों को लेकर जाती है उस पर भी चालान नहीं होता है। अगर बाइक पर 3 लोग बैठते हैं तो चालान क्यों होता है? आमजन को क्यों परेशान किया जाता है? उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो बाइक पर 3 लोग सवारी कर सकेंगे, इसके लिए उनका चालान नहीं कटेगा। देखिए वीडियो। गाड़ी पे बाइक पे ये क्या? आप देखिए कि ट्रेन के एक कोच में 70 सीट, उसमें जाते हैं 300 लोग, तो ट्रेन की तो चालान नहीं होती है। 9 सवारी पे पास होती है जीप, 22 लोग जाते हैं, उसकी चालान नहीं होती है। 2 सवारी पे मोटरसाइकिल पास है तो फिर इसकी चालान क्यों होती है? वही पुलिस विभाग जो चालान करता है, जब कहीं कोई एप्लीकेशन देता है, कोई विवाद होता है, झगड़ा झंझट, तो आगे एक सिपाही एक दरोगा जी जाते हैं गांव में, उसको पकड़ते हैं, उसको बीच में बैठाते हैं। 3 सवारी तो दरोगा जी की क्यों नहीं चला? इस नाते हमारी सरकार बनते ही 3 सवारी फ्री कर दिया जाएगा और नहीं तो जीप और ट्रेन की चालान कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन मंडी।